गाइस वेलकम टू ट्यूटोरियल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा फोन स्टैंड। ये बहुत एफिशिएंट है और अगर ये आपका फट जाए तो फिर आप इजीली इसको बना भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फोन स्टैंड को बनाने के लिए आपको बेसिक पेपर चाहिए। आप चाहो तो ओरिगामी पेपर भी यूज कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं था तो फिर मैं एक रेक्टेंगुलर A4 साइज शीट यूज कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जैसे अच्छा स्क्वायर शेप देने के लिए इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ, और फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। और ऐसे मैं इसको फाड़ूंगी। यहाँ पे मैंने इसको फाड़ लिया। मैं इसको अब खोलूंगी। अब मैं इसको ऐसे बेंड करूंगी। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, अच्छे से फोल्ड करेंगे इक्वली। ये मेरा फोल्ड हो गया। अब मैं इस ओपनिंग वाले साइड से ही ऐसे इसको फोल्ड करूंगी। अब मैंने इसको खोला। मैंने अब इसको ऐसे फोल्ड किया था। अब मैं इसको उल्टी साइड से फोल्ड करूंगी। मतलब अभी मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था, अब मैं इसको ऐसे फ्लिप करूंगी और फिर से फोल्ड करूंगी। आपको जिस एंगल से इजी हो इस ट्रायंगल को बनाना, आप उस एंगल से इसको बना सकते हो। मेरे लिए ये वाला एंगल बड़ा इजी था इस वाली साइड के, तो फिर मैंने इस एंगल से बनाया। अब मैं इसको खोलूंगी और ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है तो फिर इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। इसमें आपको ऐसे खोलूंगी, इसको ऐसे अंदर को फोल्ड करूंगी अच्छे से और इसको ऐसे रख दूंगी। ऐसी मैं दूसरी साइड से भी करूंगी। ऐसे फ्लैप को खोला, ऐसे इसको फोल्ड किया अच्छे से इसको अलाइन करके फ्लैप को बंद कर दिया। अब ये थोड़ा सा बोट शेप टाइप का बन गया है। मैं इसको ऐसे खोलूंगी और ऐसे सेंटर से इसको दबा दूंगी। और देखो हमारा कितना अच्छा फोन स्टैंड यूज हो गया, बन गया। इसको आप अब हार्ड पेपर से बना के इसके ऊपर डेकोरेशंस भी कर सकते हो, और आप इसको सिंपल कलर पेपर से भी बना सकते हो। Thanks for watching guys. Bye.